देखिए, ये तो अत्यंत ही दुख की बात है कि एक पढ़ी लिखी महिला टीचर को जिंदा जला दिया गया। जनता से सबसे बात करी यहां रायसर के अंदर, सभी वहीं के लोग रहने वाले हैं। वो सिर्फ केवल अपने उधार दिए हुए पैसे मांग रही थी, और वो भी कई महीनों से मामला चल रहा था, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखा चुकी थी, उसके साथ छेड़छाड़ भी हो रही थी। उस दिन भी उसने पुलिस को फोन करा, अपने बचाव के लिए उसने बोला कि मुझे पुलिस की सहायता चाहिए, लेकिन पुलिस एक बार फिर किसी विक्टिम की सहायता के लिए नहीं पहुंची। ये वही हालात है जैसे कन्हैया लाल के साथ हुआ, वो भी पुलिस को गुहार लगाता रहा कि मेरी सुरक्षा के लिए लोग चाहिए, पुलिस चाहिए, नहीं पहुंची। चिरंजी लाल जो अलवर के अंदर जिसको एक वर्ग विशेष ने मार दिया, वहां पे भी पुलिस ने केस को दबाने की कोशिश करी, उसके बेटे को मात्र 1,000 रुपए देकर बोला रफा दफा हो जा। लेकिन इस तरह का माहौल राजस्थान में बना हुआ है, आए दिन यहां पर हत्याएं हो रही हैं। साधु ने भरतपुर में आत्मदाह करा क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी, पुलिस प्रशासन सुन नहीं रहा था। कल रात को हनुमानगढ़ के अंदर एक साधु की हत्या कर दी गई है, कल रात का मामला, ये बिल्कुल अभी ताजा मामला। जालौर के अंदर घटना हो, अलवर के अंदर मंदिर को तोड़ने की घटना हो, राम दरबार को गिराने की घटना हो, राजस्थान के अंदर तो हिंदू होना ही एक पाप हो गया, जैसे ऐसा माहौल बना दिया गया है। यहां दलित होना पाप हो गया है, यहां पर महिला बच्चा होना यहां पर पाप हो गया है, प्रशासन बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं कर रहा, इस तरह का माहौल। और यहां के मुख्यमंत्री राजनीतिक पर्यटन के लिए कभी गुजरात चले जाते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, राजस्थान में इस तरह का माहौल बनाया हुआ है, बहुत ही दुख की बात है। और हम चाहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री तुरंत पुलिस को खुली छूट दे इन अपराधियों को, गुंडों को पकड़ने के लिए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।